बस्तर द नक्सल स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि इसके ओटीटी का अपडेट आ चुका है दोस्तों। और प्रैक्टिकली बात करें तो ये फिल्म को फिल्म बाय सुदीप तो सेन, और अगर बात करें तो प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह है इस फिल्म के। रिटन बाय अमरनाथ झा, सुदीप तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह, को प्रोड्यूसर आशीन शाह। एंड ये फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो सनशाइन पिक्चर्स की ये फिल्म है। आदा शर्मा इसके मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म रिलीज़ होने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बोला था कि ये फिल्म द केरला स्टोरी जैसा चलेगी या नहीं, तो मैं इस क्योंकि सेम मेकर से सेम एक्ट्रेस है, लेकिन मैं क्यों बोला था कि नहीं चलने के चांस है, रिलीज डेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, रिलीज डेट गड़बड़ था और प्रमोशन नहीं किया गया था। देखो क्या है, प्रमोशन इन द सेंस ये नहीं कि भाई गाँव गाँव जाके रिलीज करो टाइप का प्रमोशन करो, बात ये है कि आपकी फिल्म लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो नहीं पहुंची थी, पहुंचनी चाहिए थी, बेहतरीन टॉपिक था। और मैं तो देखा था, मैंने आपको बोला भी था, 5 out of 5 रेटिंग्स वाली फिल्म है, एकदम ओपनली इन लोगों ने फैक्ट्स के साथ रियलिटी दिखाई थी। बट क्या था कि क्या होता है मालूम है, क्लैश वगैरह का इशू नहीं रहता है, बात यह है कि आप रिलीज़ कैसे करते हो फिल्म को और कहाँ तक पहुँची फिल्म। द कश्मीर फाइल्स द केरला स्टोरी भले आपने रिलीज़ की, वो एक अच्छी तरीके से उसको ऑटोमेटिक प्रमोट भी हुआ था, पर द वैक्सीन वॉर और या फिर द बस्तर द नक्सल स्टोरी, बस्तर फिर भी, वैक्सीन वॉर तो मुझे फिर भी लगता है कि उतना लोगों तक नहीं पहुंचने वाला ही टॉपिक था, लोग कोविड से आगे जाना चाहते थे रैदर देन वही यादें, पर बस्तर द नक्सल स्टोरी अच्छी हो सकती थी अगर वो फिल्म थोड़ा लेट रिलीज करते। बहुत जल्दबाजी में रिलीज़ की थी, 2-3 बार एक ही मंथ में एक दो बार डेट चेंज करना बहुत ही ज़्यादा, जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान के वक्त हुआ था कि आप एक दिन बोल रहे हो कि भाई आज रिलीज़ होगी, नहीं 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 अगले वीक में, अगले दिन रिलीज़ होगी। भाई जब पोस्टपोन होती है ना कोई फिल्म, वो वहीं पे थोड़ा सा गिरने लगती है, तो ये हुआ था इस फिल्म के साथ, बाकी कुछ नहीं। हाँ अगर आपकी फिल्म बिग बजट की होती तो बात अलग थी। एनीवेज अभी यहाँ पे वो टाइप नहीं है, प्रीमियर 17 मई को Zee5 पे देखने को मिलेगी आपको, पर मुझे सिर्फ OTT के साथ जो इस फिल्म के साथ हुआ था वो बात करना ज़रूरी लगा, क्योंकि भाई द केरला स्टोरी को जिस तरीके से आपने प्रमोट किया था ना, बस्तर द नक्सल स्टोरी बहुत सीरियस टॉपिक था, आपने प्रमोट नहीं किया, पूरा मेकर्स का डिसीजन था जो इन्होंने प्रमोट नहीं किया, जो गलत था। आप ये नहीं दिखा सकते फ्रॉम द मेकर्स ऑफ केरला स्टोरी ऑटोमेटिक लोग जाएंगे, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, पहुंचे नहीं। ख्याल रखिए कोई टेंशन नहीं है, OTT पे देख लेना, बेहतरीन फिल्म थी, आपको ऑटोमेटिक अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छी फिल्म आपने मिस की थी। मैं तो उस टाइम पे बोला था, कुछ लोग गए भी थे, उन्होंने रियलाइज़ भी किया था कि मैं करेक्ट था, बाकी आप लोगों पर है। ख्याल रखिए अपना, एंड 17 मई को आ रही है फिल्म।